नमस्कार, मैं हूँ कमलेश सोनी। आज हम दिखाएंगे आपको सांवरिया सेठ जी का मंदिर। नमस्कार, मैं कमलेश सोनी। आज हम आए दर्शन करने के लिए सांवरिया जी सेठ जी मंदिर के। सांवरिया सेठ का मंदिर कोटा से चित्तौड़ 172 किलोमीटर और चित्तौड़ से 30 किलोमीटर। इस मंदिर की स्थापना 1961 में, पुरानी बात है। यहाँ के इसी गांव के एक भोला राम गुजर को रात को सपना आया। सपने में उसने देखा कि जो बम्बुल का पेड़ है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। उसने फिर कभी दूसरे दिन जाकर के वह बम्बुल के पेड़ कटवाए और वहाँ खुदाई की। खुदाई के दौरान उसने 3 मूर्तियाँ देखी। उसके बाद 1961 में यहाँ पर एक छोटा से मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे इसकी मान्यता बढ़ने लगी और देश विदेश से दूर दूर से यहाँ पर भक्त लोग आने लगे। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे जो भगवान विराजमान है यह बिजनेस पार्टनर के रूप में फेमस है। यहाँ जो भी भक्त लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उनकी मांग से उन्हें दुगना ही प्राप्त होता है। श्री सांवरिया सेठ जी के जो मंदिर में जो पिलर्स है इन पर काफ़ी अच्छी कढ़ाई का काम किया गया है और काफ़ी अच्छा दर्शाया गया है। मंदिर के टॉप पर सोने का कलश बनाया गया है। मंदिर काफ़ी बड़े एरिया में है। मंदिर के चारों तरफ हॉल व बरामदे हैं जो कि पिलर्स पर टिके हुए हैं। पिलर्स इनकी सुंदरता को और अच्छा बढ़ाते हैं। बोलो सांवरिया सेठ की जय। भगवान श्री सांवरिया सेठ के भव्य और दिव्य मंदिर की दैनिक गतिविधियों के बारे में मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। आप स्वयं ध्यान से सुने एवं दूसरों को भी अवगत कराएं। भगवान सांवरिया सेठ की मंगला आरती सुबह 5:30 बजे होती है। मंगला दर्शन प्रतिदिन सुबह 5:30 से 6:15 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। 6:45 बजे भगवान सांवरिया सेठ के माखन मिश्री का भोग लगता है। उपस्थित श्रद्धालु महानुभावों को मंदिर में वितरित किया जाता है। 6:45 बजे से 8:00 बजे तक प्रतिदिन भगवान सांवरिया सेठ का भव्य और दिव्य श्रृंगार होता है। उस दौरान पर्दा लगा रहता है, दर्शन लाभ बंद रहते हैं। पुनः दर्शन लाभ 8:00 बजे से प्रारंभ होते हैं, जो सुबह के दर्शन 12:00 बजे तक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 10:00 बजे से 11:15 बजे तक प्रतिदिन 1.25 घंटे की आरती भगवान सांवरिया सेठ की होती है। 11:30 बजे भगवान सांवरिया सेठ के राजभोग लगता है। उस दौरान 5-10 मिनट पर्दा लगा रहता है, दर्शन लाभ बंद रहते हैं। श्रद्धालु महानुभावों को उस दौरान दर्शन के लिए लाइन में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 12:30 बजे भगवान सांवरिया सेठ के का राजभोग मुख्य दरवाजे पर वितरित किया जाता है। सुबह के दर्शन 12:00 बजे तक सभी श्रद्धालु महानुभाव कर सकते हैं। 12:00 बजे से 2:30 बजे तक प्रतिदिन दिन में भगवान सांवरिया सेठ का शयन रहता है, दर्शन लाभ बंद रहते हैं। पुनः दर्शन लाभ 2:30 बजे से प्रारंभ होते हैं, जो रात्रि को 11:00 बजे तक सभी श्रद्धालु महानुभाव भगवान सांवरिया सेठ के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 3:00 बजे भगवान सांवरिया सेठ के फलार का भोग लगता है। उपस्थित श्रद्धालु महानुभावों को मंदिर में वितरित किया जाता है। 8:00 बजे से 9:15 बजे तक लगातार 1.25 घंटे की आरती सेठों के सेठ भगवान श्री सांवरिया सेठ की होती है। आरती के दौरान भक्त लोग नाचते गाते जयकारा लगाते हुए महाआरती का लाभ लेते हैं। 9:30 बजे से 10:30 बजे तक भगवान सांवरिया सेठ के भव्य और दिव्य मंदिर में भगवान के सम्मुख बाहर से पधारे हुए श्रद्धालु महानुभावों के मुखारविंद से
एवं स्थानीय कलाकारों के मुखारविंद से भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है। भक्त लोग नाचते गाते भजन कीर्तन का लाभ लेते हैं। 11:15 बजे भगवान सांवलिया सेठ के प्रतिदिन दूध मलाई का भोग लगता है और 11:00 बजे भक्तों के मुखारविंद से शयन आरती गाई जाती है और भगवान का शयन होता है। केवल मात्र चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण जब भी होता है तब दर्शनों के लिए बदलाव रहता है, परंतु 12 ही महीने एक ही समय भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन लाभ का समय रहता है। बोलो सांवलिया सेठ की जय। सर मैं ये पूछा था इसके अंदर यहाँ पर कितने बीघा जमीन में फैला हुआ है ये क्षेत्र? मंदिर में गौशाला भी संचालित है, 214 बीघा जमीन में गौशाला है, करीब 3000 गायें हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर गौशाला है। चिकाड़ा रोड पर गोकुल विश्रांति गृह से आगे पूरब की तरफ 1.5 किलोमीटर दूरी पर गौशाला है। गौशाला में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे छायादार फलदार लगे हुए हैं। 2-लेन रोड बना हुआ है, मोटरसाइकिल से और 4-व्हीलर से जाने में केवल मात्र 5 मिनट गौशाला जाने के लगते हैं। 33 कोटि देवताओं के दर्शन लाभ गौशाला में है। बोलो सांवरिया सेठ की जय। मंदिर के मंडल द्वारा विभिन्न जगहों पर आवास व्यवस्था भी है, केवल मात्र सेवा शुल्क लिया जाता है। गोकुल विश्रांति गृह है, यशोदा विहार धर्मशाला है, शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ में सांवलिया विश्रांति गृह किला रोड पर है। मध्य प्रदेश मालवा की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निम्बाड़ा बस स्टैंड पर भी मंदिर मंडल द्वारा सांवलिया जी विश्रांति गृह नाम से एक धर्मशाला संचालित है। बोलो सांवरिया सेठ की जय। एक सवाल और बाकी रह गया था सर मेरा, ये इसकी जो शिखर की हाइट है वो कितनी है? लगभग 122 फीट के लगभग होगी, पूरी जानकारी मुझे नहीं है जी। परंतु मंदिर का कार्य कब से शुरू है? 1991 में अधिग्रहण हुआ। सांवरिया सेठ की जय। बोलो सांवरिया सेठ की जय। श्री सांवरिया सेठ जी के मंदिर पर हर माह की 14 को दान पात्र खोला जाता है और अमावस को भोजन प्रसादी व भंडारा और मेला लगता है।